नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की लड़कियों ने इस मामले में लड़कों को छोड़ा पीछे। पटना NIT के अभिषेक को अमेजोन ने दिया 1.08 करोड़ का पैकेज। अब ये जिले शाम तक बताएंगे अपने ही जिले में कोरोना का हाल। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर CM नीतीश ने किया प्रतिमा का माल्यार्पण। अमित शाह भी हुए शामिल। दिल्ली राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में अंपायर के फैसले पर फूटा दर्शकों का गुस्सा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की लड़कियों ने इस मामले में लड़कों को छोड़ा पीछे। एक वक्त था जो बिहार की लड़कियों को पढ़ाने और पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता था, लेकिन आज एक समय है जो बिहार की लड़कियों ने बाजी मारना शुरू कर दिया है। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षित 10 लाख युवाओं की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लड़कों से अधिक लड़कियां अंग्रेजी और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान सीख रही हैं। सामान्य वर्ग की लड़कियों को देखें तो दर्जन ऐसे जिले हैं जहां लड़कों से अधिक लड़कियों ने प्रशिक्षण हासिल किया है। पटना NIT के अभिषेक को अमेजोन ने दिया 1.08 करोड़ का पैकेज। NIT पटना के छात्र अभिषेक कुमार को अमेजोन ने 1.08 करोड़ का पैकेज दिया है। सबसे खास बात यह है कि अमेजोन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किसी छात्र को प्लेसमेंट NIT पटना से हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि झाझा के रहने वाले अभिषेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच के छात्र हैं। अभिषेक का चयन कंपनी की तरफ से 21 अप्रैल को कन्फर्म हुआ। अमेजोन के लिए अभिषेक ने 14 दिसंबर 2021 को कोडिंग टेस्ट दिया था। इसके बाद 13 अप्रैल को 3 राउंड का 1-1 घंटे का साक्षात्कार हुआ था। बिहार के पशु विज्ञानी दुनिया को ऑनलाइन सिखा रहे हैं पशु उपचार। बिहार के पशु विज्ञानी दुनिया को अब ऑनलाइन पशु उपचार सिखाने का काम करने वाले हैं। पशु चिकित्सा की ऑनलाइन पढ़ाई में अब सभी 8 विश्वविद्यालयों को कुल 1.82 लाख व्यूज मिले हैं। बिहार एनिमल साइंस विश्वविद्यालय को 5.20 लाख व्यूज ने पसंद किया है। इसके साथ ही पशु विज्ञानी ऑनलाइन की बड़े से बड़ा ऑपरेशन कराना सिखा रहे हैं। मछलियों पर अध्ययन कर रहे श्रीलंकाई छात्र ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को मछलियों के उपचार वृद्धि के उन वीडियो के लिए भी आभार प्रकट किया है जो इनकी मदद से वो अपने विषय के एक्सपर्ट बन सके। हरियाणा के प्रतिपाल और दक्षिण के नरेश रेड्डी भी बासु के YouTube चैनल से अपनी समस्या का समाधान करने वालों में से एक है। अब ये जिले शाम तक बताएंगे अपने जिले में कोरोना का हाल। बिहार में कोरोना के मामले अभी स्थिर है। हालांकि देश भर में जिस हिसाब से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ही चौथी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। बिहार का भी स्वास्थ्य महकमा इसी को लेकर अलर्ट हो गया है और सभी जिलों से नोडल अधिकारियों को तैनात करने का काम किया गया है, जो हर दिन शाम को स्वास्थ्य विभाग को अपने जिले में कोविड की स्थिति से अवगत कराएंगे। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस JE प्रभावित 12 जिलों में कोविड की मॉनिटरिंग को प्रतिनियुक्त नोडल अफसर इन दोनों बीमारियों पर भी नजर रखेंगे। विभाग ने पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। राजगीर, नवादा, गया तक गंगा जल ले जाने का इस समय होगा ट्रायल। बिहार की नीतीश सरकार जल जीवन हरियाली योजना के तहत गंगा जल को राजगीर, नवादा और गया ले जाने का ट्रायल जून महीने में शुरू करने वाली है। इसके संकेत बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दिए हैं। बीते दिन पृथ्वी दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि जुलाई से 4 महीने इस साल गंगा जल को इन इलाकों में ले जाया जाएगा। 90% से अधिक काम हो चुका है। जदयू के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे संजय झा ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। मंत्री जी की माने तो अब ये योजना फाइनल स्टेज में है। 90% से ज्यादा काम हो गया है और इससे जून में इसका ट्रायल रन हो जाएगा। बिहार में मौसम का बदला मिजाज। बिहार में मौसम की अटखेलियां लगातार देखने को मिल रही है। कई जिले लू और भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो कई जिलों में बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदलने से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। दरभंगा में तो तेज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। सड़कों पर बर्फ के टुकड़े भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर CM नीतीश ने किया प्रतिमा का माल्यार्पण। अमित शाह भी पहुंचे पटना। आज वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है, जिसका हिस्सा बनने खुद गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंचे हैं, जहां वो जगदीशपुर में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल भी हुए। वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस दौरान CM ने कहा कि देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे प्रेरित होकर पूरे
देश में इस आंदोलन से लोग जुड़ते गए। वहीं आज वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर भाजपा ने अलग से विजयोत्सव मनाते भी दिखाई दी है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार को निमंत्रण नहीं दिया गया था। तेज प्रताप यादव ने सरकार बनाने का किया दावा। बिहार में राजद नेता तेज प्रताप यादव ने सरकार बनाने का दावा कर दिया है। रमजान के इस पावन महीने में लालू यादव के घर इफ्तार पार्टी का आयोजन पिछले कई सालों से होता आया है। इसी कड़ी में बीते दिन भी लालू यादव की गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी ने अपने सरकारी 10 सर्कुलर आवास पर रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, चिराग पासवान समेत कई सियासी हस्ती शामिल हुए। जिसके बाद ही तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सियासी बातें हुई हैं, हम लोग सरकार बनाएंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उनसे जब ये जानने की कोशिश की गई कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस सरकार का हिस्सा होंगे, तो इस पर तेज प्रताप ने कहा कि इसका जवाब उनसे लीजिए, वैसे हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। सीएम नीतीश के राबड़ी आवास पर जाने को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जैसे ही बीते दिन विपक्ष के खेमे में इफ्तार पार्टी में क्या पहुंचे, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी की आबोहवा ही बदल गई। हर तरफ बस नए समीकरण के बनने के संकेत अब सुनाई देने लगे हैं। मामले को तुलपकड़ता देखिए अब उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर कहा कि मिलना और मिलाना हमारी तहजीब है, इसे राजनीति के लिए नए समीकरण के रूप में ना देखें, इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। सुशील मोदी ने इफ्तार दिया था, वहां भी नीतीश कुमार आए थे। जहां तेजस्वी ने इफ्तार दिया, हमें फोन किया था, हम आ गए, हम रोजा रखते हैं इसलिए रोजा खोलने के लिए आए हैं, इस पर कोई राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं है। होली हो, दिवाली हो, ईद हो या इफ्तार हो, इसमें सब सबके यहाँ आते जाते हैं। गोलघर पर चढ़ने का सपना जल्द हो सकता है साकार। पटना की पहचान गोलघर चढ़ने के लिए नहीं सिर्फ दीदार करने के लिए अब सिमट गई है। मरम्मत के नाम पर पिछले एक दशक से गोलघर को बंद करके रखा गया है। इसकी वजह से गोलघर पर चढ़ने की तमन्ना लेकर आने वाले पर्यटक सिर्फ दीदार करके लौट जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय बाद गोलघर की सीढ़ियों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसके पूरा होते ही पर्यटकों का गोलघर पर चढ़ने का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। गोलघर के दोनों तरफ की सीढ़ियों की मरम्मत का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 12 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। सीढ़ियों के प्लास्टर को हटाकर सुर्खी चूने का नया प्लास्टर लगाया जाएगा। मनोज बाजपेयी ने सुनाई 2 मिनट की कविता, हुआ वायरल। बीते दिन फिल्म मेकर मिलाप जावेरी की तरफ से लिखी गई कविता में मनोज बाजपेयी ने अपनी शैली और आवाज देकर समा बांध दिया। 2020 में लिखी भगवान और खुदा कविता ने सांप्रदायिक सद्भाव के मैसेज संग सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। फिल्म निर्माता मिलाप जावेरी ने इस कविता का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि कविता के संदेश को लोगों तक पहुंचते हुए देखना बहुत सुखद है। उन्होंने बताया कि भगवान और खुदा शीर्षक कविता में धर्मों के बीच संघर्ष और उसके अप्रभावितता को दिखाता जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुदाय के लोग एक दूसरे के बीच वैमनस्य या कलह नहीं चाहते, हिंदू और मुसलमान शांति से रहते हैं और यही संदेश देने की कोशिश है। बिहार में बटे कृमि मुक्ति की दवा खाने के बाद कई अस्पताल में भर्ती। बिहार में कृमि मुक्ति के लिए स्कूलों में बच्चों को दवा खिलाने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद ही बिहार में भागलपुर और मुंगेर में 80 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। कुछ को उल्टी दस्त हो रहे हैं तो कई बच्चे बेहोश पाए गए। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा है। भागलपुर में तो गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा और खूब बवाल भी काटा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक सप्ताह के भीतर सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इन घटनाओं ने अभियान पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सीएम नीतीश ने सभी डीएम को क्षेत्र में भ्रमण कर निकलने का दिया आदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से हाथ उठवाकर बीते दिन प्रण करवाया, जिससे कि सभी जिलाधिकारी अपने सामान्य कामकाज के अलावा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और औचक निरीक्षण भी कर सके। बीते दिन पटना में सिविल सेवा दिवस के मौके पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताओं से बड़ी जिम्मेदारी अधिकारी निभाते हैं। राजनीतिक लोग तो निर्णय लेते हैं, लेकिन काम तो आप लोग करते हैं। योजनाओं को लागू कराने में आप लोगों की बड़ी भूमिका होती है। सियासी लोग तो निर्णय लेते हैं, आप लोग काम करते हैं। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बिहार में भी सरकार अलर्ट। देश भर में कोरोना के मामलों ने परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। जानकार इसे चौथी लहर की आहट मान रहे हैं, क्योंकि हर दिन के साथ देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देश भर में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2527 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो इसके बाद ही देश भर में कोरोना के मामले बढ़कर 4,30,54,952 पर पहुंच गए हैं। वहीं
एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 15,079 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 33 लोगों की जान गई है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 15 पर पहुंच गई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 84,077 सैंपल की जांच की गई। वहीं एक मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। दिल्ली राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में अंपायर के फैसले पर फूटा दर्शकों का गुस्सा। आईपीएल 2022 में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर में तीसरी गेंद को नो बॉल न देने के बाद अंपायर नितिन मेनन आलोचकों के निशाने पर आ गए। स्टेडियम के बाहर के अलावा अंदर बैठे लोग भी अंपायर के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। आखिरी ओवर में तीसरी गेंद को लेकर उठे बवाल पर दिल्ली कैपिटल्स का खेमा तो गुस्सा में था ही, साथ ही स्टेडियम में बैठे दर्शक भी काफी नाराज थे। नो बॉल न दिए जाने के बाद स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने अंपायर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शकों ने अंपायर के खिलाफ चीटर चीटर के नारे भी लगाए। सोशल मीडिया पर इसी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, संतोष कुमार, नुनु कुमार, महेश दास, कीर्तिका राणा, शैलेंद्र विश्वास, ध्रुव कुमार, निरंजन कुमार, कृष्णा कुमार झा, नीरज कुमार, अमन कुमार, कुश कुमार यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दिल्ली बनाम राजस्थान के बीच में खेले गए मुकाबले में दिल्ली के साथ नाइंसाफी हुई है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।